फाइनली पहुंच गए हम लोग टेंट सिटी। थैंक यू सो मच इतना अच्छा बुक करवाने के लिए। मैंने करण के बर्थडे के लिए बुक कराया था, तो बाय द वे आज करण का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मून बाय। थैंक यू हैप्पी बर्थडे टू मी। अभी हम लोग आए टेंट सिटी में, बजे 1:30। हद धूप है। अच्छा हुआ हमने एसी वाला बुक करवाया। थोड़ी देर मैंने करवाया, मैंने तो तू ही तो बुक करवाती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर चलते हैं। मुझे लग नहीं रहा मैं कहीं जा पाऊंगी आज। एक्टिविटीज है पर ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी धूप में तो एक्टिविटीज नहीं करेंगे। तो फिर 5 बजे शायद हमारा व्हाइट डेजर्ट जाने के लिए है। तो व्हाइट डेजर्ट तब चलेंगे, 5 से 7:30 है। सो वहाँ पे सनसेट दिखाएंगे। लंच है पहले तो, अभी लंच है तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या है लंच में। होप सो लंच अच्छा हो। तो फाइनली पहुँच गए हमने टेंट पे। बहुत ज्यादा लंबी वॉक है भाई और बहुत ज्यादा धूप है, तो चलते जरा टेंट टूर लेते हैं। और वापस अंजलि टूर देगी हमें इस बार। देखो जल्दी जल्दी टूर देने के लिए, जल्दी जल्दी क्विक अंडर 30 सेकंड्स है। इसको आप खोल सकते हैं, ताला चाबी नहीं है तो अपने सामान की सुरक्षित खुद रखें। वाओ कितना क्यूट है ये दो। हम लोग को दो अलग अलग बेड क्यों मिल रहे हैं हर जगह पे? और एसी वाला लिया, एसी वाला लिया था हम लोगों ने। टेबल, पानी और यहाँ पे आई थिंक वॉशरूम। Wow, it's a pretty big washroom. Washroom modern है भाई, मिट्टी से बना हुआ नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग जब भुज में रुके थे ना, मुझे याद नहीं, नहीं वो ऐसा ही था। फैमिली के साथ आए थे 10-12 साल पहले। अच्छा वो तो, तब वो जो इतना बड़ा एरिया है ना, उतना ही बड़ा पीछे वॉशरूम का भी एरिया था, मस्त था वो। पता नहीं कौन सा था, अलग था वो, बहुत अच्छा था। ये पूरा सिटी बनाया है, टेंट सिटी नाम है जहाँ पे हम लोग रुके। हाँ, अलग अलग टाइप के मतलब ब्लॉक्स दे रखे, क्लस्टर्स बना रखे हैं। मतलब आई थिंक जो जो पैकेजेस जहाँ से बुक कराते हैं वो लोग वहाँ के क्लस्टर्स होंगे। हाँ, तो हम लोग डी में रुके हैं और आगे आगे हम आपको टूर देते रहेंगे क्या क्या फैसिलिटी। और मैं अपनी बहादुरी की कहानी भी आपको 1-2 दिन में बताऊंगी। डेफिनेटली बाद में बताएंगे हम बहादुरी की कहानी अंजलि की। अभी बज रहे 1:30, थोड़ा सा फ्रेश हो गए, एसी ऑन कर दिया। अच्छा हुआ एसी वाला लिया हमने। मैंने कहा था मैंने, हाँ वो तूने लास्ट टाइम पे भी बोला। और अभी हम लोग चल के जा रहे हैं लंच करने के लिए, क्योंकि अभी वो गाड़ियाँ यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ यार, थोड़ा थोड़ा आपको चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए। और अगर आपको बग्गी मिल गई लाइन में तो उसमें बैठ के आप जा सकते हो। लेट्स सी कितना दूर है वो। लंच में और कैप और सनग्लासेस पहन के आइए। और दूसरा क्या बोलने वाला, हाँ चप्पल भी थोड़ा लेके आए, थोड़ा रिलैक्स रहेगा। एंड देखते हैं लंच में क्या क्या चीज़ है। मिला तो नहीं मेरे को, इतनी सारी चीजें तो है। दो दो चीजें खरीदी मैंने। बार्गेन करना तुझे आता नहीं उसमें, मैं क्या करूं? बार्गेन करना नहीं आता, उसने मना कर दिया, 900 से कम नहीं देगी तो फिर मैं क्या करूं? हां तो वो भी तो थोड़ा कमाएंगे ना वो लोग भी। टुंडी बात करनी चाहिए। तो अभी बज रहे शाम के 4:30 और हमारा हाई टी का टाइम हो चुका है। और उसके बाद हम लोग जाने व्हाइट डेजर्ट। वहाँ पे पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज है, या तो फिर ऐसे खुला छोड़ देंगे, बोलेंगे जहाँ घूमने वहाँ घूम लो। एक्टिविटीज नहीं होती वहाँ, सिर्फ सनराइज सनसेट देखने जा रहे हैं। हाँ सनसेट देखने जाना है, पर और क्या होगा वो वहाँ जाके पता चलेगा। एक्चुअली हम क्या एक दिन के लिए रुके हैं ना, तो उसमें सिर्फ सनसेट ही दिखाते हैं। अगर आप 2 दिन के लिए रुकते ना तो काला डूंगर और ये सब भी लेके जाते हैं। यहाँ पे पैकेजेस है, 1 night, 2 night, 3 night से सर। हम आपको फिर लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमने कौन सा पैकेज लेके कितने का पड़ा है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जो सामने आपको बस दिख रही है वही बस हमें लेके जा रही है। तो
पड़ी अपनी गाड़ी This is something new. अभी बस से उतर के यहाँ पे बैठे हैं बस एक प्रेस अच्छा तू बैठ भी सकती है अंकल को कोई चलाने भी देखी पड़ी ड्रॉप ऑफ कर दिया है ये काइंड ऑफ टेंट सिटी वालों का ऐसा लग रहा है जैसे कि प्राइवेट वाइट रन है क्योंकि यहाँ पे कोई इतने ज्यादा लोग कोई दिख नहीं रहे जो हम लास्ट टाइम यहाँ थे वो बाउंड्री बनी है वाइट रन के हाँ वही इसीलिए यहाँ पे सनसेट देखेंगे और तीन चार एक्टिविटीज है क्वाड बाइकिंग है फिर वो ऊपर लेके जा रहा है पता नहीं इसको क्या ही बोलते हैं हॉर्स राइडिंग है हाँ हॉर्स राइडिंग भी है गो कार्टिंग भी है जो फ्लाई होती है वो वाली हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग है गो कार्टिंग क्वार जो बाइक है उसका 500 रुपीज है उसका अभी पूछ के दिखाते हैं तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं पैरा मोटर वो मैं करने वाला हूँ 3000 रुपीज है एक चक्कर लगाता है अनफॉर्चुनेटली ऊपर से हम लोग मैं शूट नहीं कर सकता क्योंकि ये मिलिट्री एरिया है सो अंजलि नीचे से शूट करेगी फिर आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस और वेदर 3000 इज वर्थ इट और नॉट तो वो पैरा मोटर था वो कर लिया 3000 में थोड़ा ज़्यादा है पेमेंट और थोड़ा ज़्यादा है पैसा बट एक्सपीरियंस वर्थ है ज़्यादा ही रहता है पर एक्सपीरियंस बहुत मस्त है क्योंकि नीचे जो पूरा वाइट डेजर्ट है वो दिखता है उस तरफ पूरा पीछे समंदर है वो भी दिखता है बहुत ही सीनिक व्यू है हॉट एयर बलून नहीं है और दूसरी बात ये है ना कि यहाँ पे ना वो पूरा वाइट है ना पीछे तो मस्त दिखता है और समंदर भी और यहाँ पे भी सनसेट हो रहा है ना तो जबरदस्त व्यू आ रहा है यार ऊपर से सबका अपना प्राइवेट रन भी है दिख रहा है वहां देख वहां भी चल रही है एक्टिविटी सबका प्राइवेट ही लग रहा है भाई अच्छा है मजा आ रहा है आप सनसेट देखते हैं थोड़ी देर फोटोज क्लिक करें सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम वहां पे आपको सारी फोटोज और रील्स और जो भी है जो अंजलि लेती है वो सारी मिल जाएगी यो क्वाड बाइकिंग कर सकते हैं फाइनली 150-200 फोटोग्राफ्स हमारे डन हो गए इंस्टाग्राम के लिए और अभी भी यहाँ पे अभी तो सिर्फ 6 बजे और सनसेट हो चुका है सनसेट का हमने टाइमलेस लिया था बीच में क्योंकि सनसेट बहुत दूर था इसलिए इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा था मतलब हमें दिख रहा था कैमरे में नहीं दिख पाएगा बहुत ब्यूटीफुल है बहुत मस्त है और ये क्या है आई थिंक ये प्राइवेट टेंट सिटी वालों का ही है तो बहुत ही कम पब्लिक है जितनी वहाँ पर टेंट तो इतनी यहाँ पर दूसरा कुछ है नहीं थोड़ी सी एक्टिविटीज़ है आई थिंक वो जो मेन जो कौन सा रन अच्छा होता है ना तब आई गेस वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी वो मुझे नहीं पता कि यही है या फिर दूसरा आई थिंक यही है पर यहाँ पे कुछ है नहीं ना मैं तो शॉप से रोल अंदर ही होता है बस अच्छा ओके मुझे पता नहीं मैं तो पहली बार आया हूँ इसलिए बट अच्छी जगह है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो डेफिनेटली वर्थ इट भू जा रहे हो कच्छ आ रहे हो तो यहाँ डेफिनेटली आ सकते हो
लेके निकल मत जाना वापस। हाँ भैया लगा खतरों के खिलाड़ी बनके। यो एकदम मेरे को तो बहुत मजा आया, मतलब मुझे जमीन पे जो चीजें रहती ना वो करने में ज्यादा मजा आता है। मैं एक्चुअली नी इंजरी है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ऊपर वाली चीजें ना ही करूँ, बट ये बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मुझे मजा आया। मैं ड्राइविंग करती हूँ ना आजकल, जमीन जमीन पे बैठ के तूने फोटो खींचवाई 1500 वो बहुत अच्छी है। तो अब मैं एक काम कर, मैं मुंह घुस जा, चलो चले हम बैठते हैं गाड़ी पे वापस। हां हां हम लोग डिनर करके आए, डिनर बहुत ही अमेजिंग था, मजा आ गया। हाँ। अच्छा था ना? मतलब पैकेज में बहुत अच्छा फूड है, मतलब वैरायटीज ही वैरायटीज हैं। मुझे लगा तो और बोलेगे तो खत्म कर। नहीं नहीं बस मैं ज्यादा नहीं बोली कर रहा, मुझे नहीं नहीं पैकेज अच्छा है और फूड बहुत अच्छा, हाई टी ब्रेकफास्ट तो कल होगा, लंच हाई टी एंड डिनर था, अभी तक तो फूड अच्छा रहा। एक दो आइटम है तो हिट एंड मिस होती है, अदरवाइज बाकी सभी अच्छा। हिट एंड मिस क्या? एक दो आइटम थी मतलब ठीक थी, बाकी सारी आइटम ऑलमोस्ट 90% आइटम्स तो अच्छी थी। हमने चार प्लेटें यूज की हैं, चार चार प्लेटें यूज की, हम दो लोगों ने चार प्लेटें यूज की, चार प्लेटें यूज की है, पर दो दो चीज ही ली उसमें। हां प्लेट चार ली हमने, खाया सब है इसने। पर ऑनेस्ट रिव्यू जाना चाहिए ना, ऑनेस्ट बहुत ऑनेस्ट रिव्यू मत दे, देखते ना दे आके लोग मारेंगे तू गोली से। और अभी वजह रात के 9:30 कल्चर प्रोग्राम स्टार्ट ही हो रहा है, आई गेस मे बी स्टार्ट ही हो गया होगा, तो हम लोग थोड़ा घूम रहे और आपको वीडियो में दिखा रहे हैं लाइटिंग वाइटिंग भी है। तो हाँ, सरप्राइज ये हमारे पीछे हाँ। कैफे है तो उसमें वड़ा पाव सैंडविचेस वो सब सारी चीज़ है और गेमिंग एक्टिविटीज भी है, तो पूल है, स्नूकर है, टीटी हाँ। है, वो सब भी है, पर अभी अंडर मेंटेनेंस है। तो मेरे को ऐसा लगा दोपहर में बहुत गर्मी होती है, लाइक लोग प्रेफर कर रहे थे वो गाड़ी वाड़ी से जाने, लेकिन अभी बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, मतलब रात में ही मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, थोड़ी ठंड जैसा है पर मजा। दोपहर में तो मैं सोच रही थी वापस चली जाऊँ।
एकमात्र रूप है, इसका नाम है केरवानोविश। ये दो दिख रहे हैं आपको, क्या आर्ट क्रिएट हुए, ये क्या है, रैबिट एंड पिजन। ये दोनों में एक भी गांठ नहीं लगने दी, नॉट इवन अ सिंगल नॉट। आप एक सिरे से कपड़ा पकड़ के छोड़ेंगे पूरा डिसमेंटल हो जाएगा। हम आपको प्रूफ करेंगे कि ये सच बात है, आपके सामने ये स्टेबल है, हाँ चक्कर नहीं आ रहे इनको, ये बहुत अमेजिंग बात है। ये आपने अभी जो देखा ये छोटा सा ट्रेलर था, इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है 90 मिनट तक कंटिन्यूस गोल घूमने का, 90। लोग कहते हैं कि सुपर ह्यूमन होते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा कि किसी को कनेक्ट लिए, देखो आपके सामने। हमारा सौभाग्य है कि भाई हम इनके साथ रोज स्टेज शेयर करते हैं। ये गांठ नहीं है, प्योर आर्ट है, कोई मैजिक नहीं। क्या बात, थैंक यू सो मच राजेंद्र भाई, थैंक यू।